दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एथोकैल्सिजाइन टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैल्सिजॉइन टैबलेट है तो लिफोर्ट कंपनी का ब्रांड है, और दोस्तों ये है तो एक शेड्यूल एच ड्रग है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल जब भी करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद करें। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल है तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको अगर भूख नहीं लगती है, आपके हाइट नहीं बढ़ पा रही है, या फिर आपको कैल्शियम की कमी है, तो उस कंडीशन में आप इस कैप्सूल इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में खून की कमी है तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको जॉइंट पेन की शिकायत हो, आपके घुटनों में दर्द होता है, या फिर आपके हड्डियों दुखती हो, तो उस कंडीशन में आप है तो कैल्सी जॉइंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये है तो बढ़ती उम्र के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टैबलेट होता है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती है और अपनी हड्डियों में कैल्शियम की कमी दूर होती है। इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे आपको नौशिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया और डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है। कुछ कंडीशन में दस्त भी लगने की जैसी शिकायत हो सकती है, इसीलिए आपको कुछ इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। इसके डोज़ की अगर हम बात करें तो आप इसको तो वन टाइम इन अ डे ले सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद आप इसका डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू कैल्सी जॉइंट टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। और आप कौन सी मेडिसिन की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।